दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ अपने गांव, और रास्ते में हाईवे होके जाते हैं हम लोग गांव। तो ये हाईवे आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा, जयनगर वगैरह चले जा सकते हो, एंड इवन नेपाल भी जा सकते हो अब इधर से, निर्मली वगैरह। ओके, एंड ये देख लो, छोड़िए, यहाँ से छोटे छोटे चौक आपको मिल जाएंगे देखने को हाईवे पर। तो मैं सोच, चलो कुछ पलों को कैद कर लिया जाए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि गांव का खूबसूरती कैसा होता है, और ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा। और बस अपनी रफ्तार चलते हुए, और मैं कुछ पलों को कैद कर रहा हूँ। वो घर मिल जाएंगे, साइड साइड में घर वगैरह रहता है, तो कुछ पुराने ज़माने के मठ हाउस, मतलब मिट्टी के घर। तो अब लोगों ने धीरे धीरे पक्के के मकान बनाना भी शुरू कर दिए हैं। और मेनली आपको इधर जो है वो आम का पेड़ मिलेगा, एंड वृक्ष तो आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। तो फॉरेस्ट का रीजन काफ़ी है ये एरिया, एक्चुअली और से एरिया है। आज से अगर आप 5 साल पहले आते थे इधर, कोई घर था ही नहीं दोस्तों, मतलब इक्का दुक्का घर होगा, कोई घर नहीं था। अब एक्चुअली धीरे धीरे घर बनना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, एंड ये सब जो एरिया है वो एक्चुअली खेत है। इधर आपको धान, गेहूँ और कुछ सब्जी वगैरह खेती होता है। लोग पैदल चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इधर। गांव में लोग आपको देखेंगे कि 3-4 किलोमीटर तो ऐसे ही पैदल चल जाते हैं। एक्चुअली आप व्हीकल वगैरह भी, आप देखो, आप ऑटो वगैरह भी अवेलेबल रहता है, कहीं भी जाना आपको तो बस ऑटो रहता है। कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है, और ये हाईवे है। मैं आपको 7-7 to 8 month के बाद जा रहा हूँ अपने घर, एंड ये सब जो नज़र देख रही रास्ते में ही पड़ता है। ये सारा जो है वो खेत वगैरह है, तो कुछ ना कुछ फसल अभी इसमें लगा हुआ है। छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए हैं, तो लोगों का छोटे छोटे पार्ट बांट के अपना खेती कर रहे हैं। अगर मैं आज से 10 ईयर पीछे जाऊं तो इधर काफ़ी बेकार सा रोड हुआ करता था, और ये जो हाईवे है ये हाईवे ना हुआ करता था। इधर आपको सिंगल रोड था जिधर ट्रेवल करने में 4 आवर लग जाते थे, जो कि अब हम 1.5 आवर में भी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, वो 4 आवर में ट्रेवल करते थे। तो अब काफ़ी अच्छा हो गया है रोड वगैरह, हाईवे बनने से। यहाँ से हम लोग निर्मली जयनगर भी जा सकते हैं, एंड ये देख लो आप, बिल्कुल भी कोई शोर गुल नहीं है। हाईवे है लेकिन इक्का दुक्का बस चल रहा है हाईवे पे, एंड आप आराम से महसूस कर सकते हो नेचर को। बिल्कुल ही चिल्ड और शांत भरा माहौल है, हवा चल रही है, ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है, तो प्योर एयर मिलेगा, नो पॉल्यूशन। एंड यस, बस में आराम से, मेरा सीट है विंडो साइड सीट, मैंने पहले ही ले लेता हूँ बस में, उस विंडो साइड ज़्यादा अच्छा लगता है बैठने में। एंड थोड़ी देर में मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं, तो काफ़ी एक्साइटेड हूं मैं घर जाने के लिए। रास्ते मुझे कुछ वर्ष पहले की याद दिलाती है, काफ़ी इस रास्ते से मैं पहले जाया करता, मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो दोस्तों रास्ते से मेरा महीनों में 1 से 2 बार जाना आना हो जाता था, और आज वर्षों हो जाते हैं जब मैं इधर गुजर रहा हूँ इस रास्ते से। सो यस, टाइम का टाइम टाइम की बात है, एंड देख लो आप लोग ये ग्रीनरी। तो रास्ते में कहीं आपको घर भी देखने को मिल जाएंगे, एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।